नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। भारत में मानव तस्करी पर लगाम कसने के लिए मोदी सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं। इन कड़े कदमों का ही नतीजा है कि कई मानव तस्करों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि इनके कब्जे से कई लड़कियों को बरामद भी किया गया है। लेकिन सरकार की कार्रवाई के बावजूद अभी भी देश में कई मानव तस्कर चोरी छिपे मानव तस्करी के काम को अंजाम दे रहे हैं। इसी बीच गौ तस्करों पर शिकंजा कसने वाली योगी की पुलिस ने दो मानव तस्करों को धर दबोचा है। इन तस्करों का नाम है अतीकुर रहमान और मुजम्मिल। ये दोनों तस्कर खाड़ी देशों में महिलाओं को भेजने का काम करने के साथ ही उनका मानसिक और शारीरिक शोषण भी करते थे। तस्कर अतीकुर रहमान और मुजम्मिल अच्छी नौकरी का झांसा देकर महिलाओं और युवतियों को फंसाते थे। इसके बाद इन महिलाओं को खाड़ी देशों में भेजा करते थे। इन तस्करों को दिल्ली, मुंबई और कर्नाटक के एजेंटों से 30,000 से 50,000 रुपए मिलते थे। अब आपको बताते हैं कि आखिर इन लोगों के कारनामे का खुलासा कैसे हुआ। दरअसल एक शख्स ने अपनी पत्नी को ओमान से वापस लाने की गुहार लगाते हुए FIR दर्ज कराई थी, जिसमें इन दोनों तस्करों के नाम का जिक्र किया गया था। युवक के मुताबिक इन लोगों ने उसकी पत्नी को अस्पताल में नौकरी दिलाने का झांसा देकर भेजा था, जबकि वहां उसे अस्पताल में नौकरी दिलाने के बजाय काफिल नाम के एक शख्स को सौंप दिया था। काफिल महिला का मानसिक और शारीरिक शोषण किया करता था, लेकिन इसी बीच महिला ने फोन कर अपने पति को पूरी सच्चाई बताई, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अतीकुर रहमान और मुजम्मिल को धर दबोचा। इसके बाद पुलिस के सामने इन लोगों ने हैरान कर देने वाले कई खुलासे भी किए। साथ ही ये भी माना कि दोनों काफी समय से ह्यूमन ट्रैफिकिंग ग्रुप से जुड़े हैं। आज दिनांक 13 अप्रैल 2021 को क्राइम ब्रांच की पुलिस कानपुर नगर पुलिस के द्वारा थाना कर्नलगंज में दर्ज FIR 47/2021 में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम अतीकुर रहमान और दूसरे का नाम मुजम्मिल है। FIR के वादी श्री रामू का ये कहना था कि उनकी पत्नी को ओमान ले जाया गया, ये कहकर कि वहाँ पर एक हॉस्पिटल में इनको एक अच्छी नौकरी दिलाई जाएगी। और उसके बाद जब वो वहाँ पहुँची तो उनको हॉस्पिटल में नौकरी न देकर किसी प्राइवेट व्यक्ति के घर हाउसमेड का काम दिया गया, जहाँ उनको प्रताड़ित किया गया शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और तरह तरह से उनको वहाँ तकलीफ दी गई। जब उनकी एक बार अपने घर वालों से बात हुई तो उसके बाद उन्होंने अपनी सारी कहानी बताई और पिछले 20-25 दिन से किसी भी माध्यम से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते ही जो अभियुक्त थे, जिसमें एजेंट के रूप में उनकी पत्नी को भेजा था, उनकी तलाश की और उनको गिरफ्तार करने के बाद पता चला कि ये सिर्फ एक महिला को नहीं बल्कि लगभग 20 महिलाओं को इन्होंने अब तक भेजा है। इनका काम यही यह है कि महिलाओं को ये बताया जाए कि वहाँ पर बहुत अच्छी नौकरी है, रहने की बहुत अच्छी सुविधा है और इस तरीके का झांसा दे करके बम्बई और कर्नाटक में शिमोगा और दिल्ली, यहाँ पर जो एजेंट मौजूद हैं इनके माध्यम से ये कुवैत, ओमान, सऊदी अरब और दुबई, इन देशों में महिलाओं को भेजते थे। वहाँ पर कई जगह तो इनको अच्छी नौकरी मिल जाती थी जहाँ घर का काम ये करती थी महिलाएं, मगर बहुत सारी जगह इनको प्रताड़ित किया जाता था मानसिक और शारीरिक रूप से। दोनों अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और हमने विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय राजदूत ओमान यहाँ पर संपर्क किया है और श्री रामू की पत्नी के बारे में और जितने नंबर थे सब जानकारी दी है। वहाँ बहुत ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है कि इनको तत्काल वहाँ रिलीज़ कराया जाए और उम्मीद है कि एक दो दिन में उनकी, श्री रामू की पत्नी को हम रिलीज़ करा लेंगे। इसी के बीच और भी महिलाओं से और उनके परिवारों से हमारा जानकारी हुई थी। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के बाद उन सबसे हमने पूछताछ की और सबके बारे में हमने जानकारी हासिल की है। कुछ महिलाएं जो वापस आ चुकी हैं उनका भी यही कहना है कि उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया, तकलीफ दी गई और उनको शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया गया, तो उनके स्टेटमेंट्स को भी इंक्लूड किया जाएगा और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला बनता है जिसमें और जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं इनको तत्काल गिरफ्तार कर दिया जाएगा। और जितने महिलाएं अभी वहां पर फंसी हैं, वहां पर पता चला है कि अफ्रीका से भी महिलाएं थी और श्रीलंका से थी, नेपाल से थी, हमारे देश में विभिन्न प्रदेशों से वहाँ महिलाएं थीं जो सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो एक दूसरे से यही कहती थी कि हम में से कोई एक बच जाए तो दूसरों को बचाने का प्रयास करेगा। तो जो महिलाएं हमें यहाँ जिसके बारे में हमने संपर्क किया जो वापस आ चुकी हैं वो यही कहती थी कि आप किसी भी तरह जो वहाँ फंसी हैं महिलाएँ इनको बचाने का काम करें। कानपुर पुलिस इसका पूरा प्रयास करेगी और जल्द से जल्द फंसी हुई महिलाओं को भारत लाने का काम। तो पुलिस अब विदेश मंत्रालय की मदद से वहां फंसी महिलाओं को देश वापस लाने की तैयारी कर रही है।
साथ ही लोगों को हिदायत भी दी जा रही है कि ऐसे लोगों के झांसे में ना आए, कहीं नौकरी के लालच में वो लोग भी इस तरह से विदेशों में फंस जाएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।